नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा चौथी के इस सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पाठ्य पुस्तक में से कविता पुष्प की अभिलाषा। कविता क्रमांक 5, पुष्प की अभिलाषा। यहाँ पर दिए गए स्थान पर अपने पसंदीदा फूलों के चित्र चिपकाओ तथा इनके नाम भी लिखो, ऐसा प्रश्न दिया गया है। अगर आप चित्र बना सकते हैं, अगर आप उस चित्र को बना सकते हैं तो भी चलेगा। अगर आपके पास पुरानी पुस्तकें हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं जिनमें फूलों का चित्र है तो भी चलेगा। अगर आप उसका ड्राइंग बना सकते हैं तो भी चलेगा। मैंने यहाँ 6 चित्र दिखाए हैं, कमल, ऑर्किड, गुलाब, सूरजमुखी, ट्यूलिप, गेंदा। आप अपने पसंदीदा कोई भी फूल ड्रॉ कर सकते हैं, उनके चित्र बना सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चित्र है तो आप चिपका सकते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, इस फूल के बारे में पता करके लिखो। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल झीलों और तालाबों में पाया जाता है। यह अधिकतर लाल, सफेद और नीले रंग के होते हैं। इन फूलों को पहचान कर उनके नाम वर्ग पहेली में घेरा लगाओ और लिखो। मैंने फूलों के नाम तो लिखे हैं, लेकिन मैंने वर्ग पहेली में नाम पहचान कर नहीं दिए, वो काम आप खुद करेंगे। गुलाब देखिए आपको कहाँ मिल रहा है, क्रॉसवर्ड है, पजल है, पहेली है, इसमें आपको नाम ढूंढने हैं। गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी और रजनीगंधा। तो ढूंढिए, मैं जानती हूं आप ये कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। पाठ परिचय, यहां पर कविता का परिचय। देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम ही वीरों के आभूषण होते हैं। वीरों के साथ ही पुष्प के मन की अभिलाषा और देशभक्तों के प्रति उसके मन में व्याप्त भावों को इस कविता के माध्यम से उजागर किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। ये एक पुष्प की अर्थात फूल की अभिलाषा है, इच्छा है। फूल क्या चाहता है, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुर बाला अर्थात सुंदर स्त्री या देवी। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी देवी का गहना बनूं, मैं किसी सुंदर स्त्री का गहना बनूं, आभूषण बनूं, उसके श्रृंगार का साधन बनूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे को प्रेम व्यक्त करने के लिए मेरा इस्तेमाल करें, यानी कि कोई भी सामने वाले के प्रति अपनी चाहत, अपना प्यार, अपनी ममता, अपनी माया व्यक्त करने के लिए मुझे उपहार के स्वरूप में इस्तेमाल करें। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हरि मतलब ईश्वर। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं किसी राजा के शव पर अर्थात लाश पर चढ़ाया जाऊं। आपको पता है ना, इंसान के मृत्यु के पश्चात उसकी लाश पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मैं ये भी नहीं चाहता कि देवों के सिर पर मुकुट के स्वरूप में या माला के स्वरूप में मुझे चढ़ाया जाए। मैं चार चीजें, मैं मतलब कौन, फूल। मैं चार चीजें नहीं चाहता, मैं किसी देवी के गहने नहीं बनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उपहार के स्वरूप प्रेम व्यक्त करने के लिए, माया ममता व्यक्त करने के लिए
मुझे दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि कितना भी बड़ा सम्राट हो उसकी लाश पर मुझे चढ़ाया जाए, या मैं नहीं चाहता कि ईश्वर के, स्वयं ईश्वर के सर पर भी मुझे चढ़ाया जाए। ये कौन कह रहा है हमसे? फूल कह रहा है। तो अगर वो ये सब नहीं चाहता तो चाहता क्या है? वह चाहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चार पंक्तियां इस कविता की है। वनमाली अर्थात माली, गार्डनर, उस गार्डनर से, उस वन माली से फूल कहता है कि मुझे तोड़ना तुम, पेड़ से मुझे तोड़ना, लेकिन कहाँ फेंकना, कहाँ रखना, उस रास्ते पर, उस पथ पर रखना जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अनेक वीर, अनेक सैनिक जाते हैं। अर्थात मैं सैनिकों के सर पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं सैनिकों के पैरों तले रहना चाहता हूँ, मुझे किसी सम्राट के, किसी देव के, किसी देवी के, किसी सुंदर स्त्री के सर पर या शरीर पर या पैरों पर रहने की अभिलाषा नहीं है। मातृभूमि पर बलिदान करने वाले जो सैनिक हैं उनके लिए मैं बलिदान होना चाहता हूँ। जो सैनिक हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनका जो बलिदान है उसकी कोई कीमत नहीं होती। यह संदेश हमें श्री माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता से दे रहे हैं। आप कठिन शब्द लिखिए, मुझे आशा है कि आप सबको कविता पसंद आई होगी। बहुत छोटी सी कविता है, समझ में भी आई होगी। कठिन शब्द चाह, इच्छा। सुर बाला, सुंदर नारी, देव कन्या, सम्राट महाराजा, शव लाश, पथ रास्ता, और मातृभूमि जिस भूमि पर जन्म लिया अर्थात भारत देश, शीश सिर। तो बच्चों, इतनी छोटी सी कविता थी लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत गहरा था, तो हमने इस अर्थ को समझा है। अगली बार हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।